तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज कुल्लू दशहरा का फर्स्ट डे से पिछला वाला कल है और देखते हैं क्या क्या कुल्लू दशहरा में हमें आज देखने को मिलता है, क्योंकि आज मेरी आउटिंग है और आज मंडे है। सो लेट्स गो टू कुल्लू दशहरा। सो गुड बाय कुल्लू दशहरा की तैयारियां। मौत का कुहा अभी तक पूर्ण तैयारियां नहीं हो चुकी है, चलिए तैयारियां। अभी यार अभी तो बनेगा यार। शॉप फॉर बैग मतलब क्या, अभी कुछ भी पूरी तरह से नहीं बना है। जो शॉप्स है वो बस आउट साइड है। और देखा जाए तो क्लॉथिंग के लिए भी कपड़े यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और अभी शॉप्स जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। जो ग्राउंड है वो पूरी तरह से कवर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी स्पेस है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ लगेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो चीजें है वो बाहर ही है अभी तक। यहाँ पर आप क्लॉथिंग के लिए आ सकते हो। आपको जो क्लॉथ्स होंगे वो काफी कम रेट पे देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। स्पेशली अभी बच्चों के लिए जो भी चीजें है वही मुझे देखने को मिल रहा है, या फिर कोई क्लॉथ्स है वो ज्यादातर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर भीड़ की बात की जाए तो आज कम से कम आज निचले ग्राउंड में तो थोड़ी सी भी भीड़ नहीं है। अगर आप मौत का कुआं देखना चाहते हो तो मौत के कुएं के लिए बस कॉलेज गेट के जो साइड है उस साइड से आप निचले ग्राउंड की ओर आ जाना तो आपको मिल जाएगा। और खाने पीने की कुछ चीजें है क्लॉथ आप देख सकते हो कि बहुत सस्ते क्लॉथ मिलेंगे आपको। सबसे बेस्ट जगह यहाँ क्लॉथिंग के लिए ही मुझे लग रही है, क्योंकि क्लॉथ की जो प्राइस होगी वो कम हो सकती है यहाँ पर। लेकिन अब क्वालिटी देखनी पड़ेगी आपको, एक हिसाब से मिलेगा। बैग पैक्स के लिए ये मुझे काफी अच्छी जगह लगी, क्योंकि यहाँ पर हर एक टाइप के बैग्स है। और बेसिकली क्लोथिंग के लिए ही काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है अभी तक। बैग्स के लिए यहाँ पर स्टॉल काफी अच्छी चीजें लग चुकी है। और खाने पीने के लिए भी देख सकते हो आप, गर्म कपड़े आपको बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सर्दी आने वाली है। बिल्कुल सर्दियों के लिए कपड़े। कोटियां स्वेटर हर एक टाइप के, फॉर मेल्स और फीमेल्स। वाओ टेडी बियर्स आप देख सकते हो यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेडी बियर्स, जो कि जो बच्चे हैं उनके लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। शूज अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर मुझे क्लासिकल शूज देखने को मिले, मेंस के लिए और फीमेल्स के लिए शूज है। और खाने पीने की चीजें भी है। सो बेसिकली यहाँ पर आप इस कुल्लू दशहरा में सिर्फ और सिर्फ
इंजॉय करेंगे, क्योंकि इंजॉयमेंट के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर क्लोथिंग के लिए है, खाने पीने के लिए स्टॉल्स है, और साथ ही साथ आपको जो बच्चों के लिए झूले वगैरह, बच्चों के लिए कुछ टॉयज। सो और यहाँ पर हमें उद्यान मतलब की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से दर्शन देखने को मिल सकती है हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर के लिए। और यहाँ पर हमारे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, तो उसकी ओर से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और प्रदर्शनी उद्योग में मतलब कि बेसिकली जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कुछ ना कुछ इस बार कुल्लू दशहरे में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ परे आप देख सकते हो कि हैंडलूम से भी है कुछ ना कुछ हिम बुनकर की ओर से। सो बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश है उसमें आप जानते हो जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हर बार देखने को मिलती है, तो इस बार भी आपको उद्यान प्रदर्शनी की ओर से देखने को चीज़ें मिल सकती है। और दोस्तों अगर आप देख सकते हो यहाँ पर बुक्स प्रदर्शनी भी हो सकती है, और बुक्स काफ़ी अच्छी अच्छी मुझे पिछली बार भी मिली थी और इस बार भी काफ़ी अच्छी बुक्स देखने को मिल सकती है। सो पुस्तक प्रदर्शनी बिक्री और भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है एक इस टाइप के फेस्टिवल के लिए, लेकिन ये इंटरनेशनल है तो ये बेसिकली होना तो पॉसिबल ही है। और साथ ही साथ अगर मैं हैंडलूम की बात करूँ तो यहाँ पर खाड़ा बाजार की ओर से कुल्लू शॉल इंडस्ट्री की तरफ से आपको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ बुटीकों की ओर से भी आपको मतलब कि देखा जाए तो जो हमारी फीमेल्स है जो हैंडलूम्स के लिए जानी जाती है फील्ड हिमाचल प्रदेश, तो उसमें भी आपको कुल्लू दशहरा में काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको लिंक दे दूंगा कि आपको कहाँ पर ये चीज़ें मिलेगी। सो बेसिकली हिमाचल प्रदेश की जो दशहरा है वो इसीलिए जाना जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए दशहरा तो अभी तक उतनी रौनक नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी तक देवी देवता नहीं देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों अभी देवी देवता पहुंचने में आई थिंक कल तक का टाइम लग जाएगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी तक जो दशहरे में अगर देखा जाए जो निचला सेक्शन है लोअर ढालपुर का, उसमें आपको बच्चों के लिए चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप जो अपर ग्राउंड है ढालपुर का बाम पर आपको वुलन क्लॉथ्स और साथ ही साथ गर्मी सर्दियों के कपड़े और साथ ही साथ जो बैग्स वगैरह होते हैं और टॉयज वगैरह होते हैं बच्चों के लिए वो देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आप एग्जीबिशन पार्क की ओर जाए ऊपर की ओर, तो दोस्तों आपको फार्मर्स और जो हैंडलूम होगा जो फीमेल्स को प्रमोट करने के लिए हिमाचल की जो कंपनी है जैसे कि कुल्लू शॉल्स और भुट्टिको, तो दोस्तों उनके काम काफ़ी सराहनीय रहते हैं और अच्छे काम रहे। इस बार भी उन्होंने एक शॉप अरेंज की है और दोस्तों वो वुलन क्लॉथ या फिर हिमाचल की जो कल्चर है उसको बचाने के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ बन सकती है। और वहाँ की चीज़ें देखूँगा मैं, अगर नेक्स्ट ब्लॉग में टाइम मिलेगा तो ज़रूर आपको वहीं की चीज़ नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।